आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मोदी बोले दीदी ने किया मां माटी और मानुष से किनारा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के यहां आयकर के छापे, छापे पर शुरू हुई राजनीति। जले खेतों का जायजा लेने पहुंचे कमलनाथ, किसानों को मदद का भरोसा। बीजेपी विधायक के रिश्तेदार की गुंडागर्दी, तलवार लेकर पहुंचा युवती को धमकाने, वीडियो हुआ वायरल। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर हुए बीमार, अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जितना मोदी मोदी के नारे लगाएंगे उतनी ही एक शख्स की नींद उड़ जाएगी। आप जानते हैं वो शख्स कौन है? ये स्पीड ब्रेकर है बंगाल के विकास के। दीदी की नींद उड़ गई है और वो झुंझुलाहट और गुस्से में अफसरों को कोस रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है, अगर किसी को समझना है तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा इतने से ही समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मां माटी और मानुष का वादा एक तरफ और टीएमसी की सच्चाई दूसरी तरफ है। वोट बैंक की राजनीति की वजह से दीदी ने मां से किनारा कर लिया और उनके साथ खड़ी हो गई जो भारत के टुकड़े होने का नारा लगाते हैं। ये देश की इज्जत से खिलवाड़ है। दीदी ने माटी को भी धोखा दिया जब उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश में घुसपैठ करने वालों की सुरक्षा की। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता को टीएमसी के बदमाशों को सौंप कर उन्होंने मानुष की उम्मीदों को जार जार कर दिया। ये दीदी के विनाश का जीता जाता स्मारक है। ये जो मंच बनाया गया है इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों को जगह कम पड़ जाए। ऐसी छोटे बच्चे जैसी हरकतें करके क्या चुनाव जीते जाते हैं क्या? पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों ने वैसे ही अराजक शासन चलाया जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल में चला रहे थे। पीएम ने कहा कि दोनों ही राज्यों में बदलाव की पुकार उठी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने दीदी पर भरोसा किया और त्रिपुरा के लोगों ने कुछ इंतजार के बाद बीजेपी पर। दोनों का फर्क आज पूरा देश देख रहा है। दीदी ने यहाँ लेफ्ट की तमाम कमियों को तो अपने साथ जोड़ा ही है, राजनीति और अपराध का एक खतरनाक मॉडल भी खड़ा कर लिया है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के शासन के बाद इस तरह सरकार चलाई जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।
लोकसभा चुनाव के माहौल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओएसडी के घर आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग ने देश भर में 3 राज्यों के 50 लोकेशन पर छापे मारे हैं, जिनमें 300 अधिकारी लगे हुए हैं। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए जब्त किए जाने की बात भी कही जा रही है। कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कर के इंदौर विजयनगर स्थित घर पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात 3 बजे आयकर विभाग ने छापेमारी की। कक्कड़ पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। कक्कड़ के इंदौर में 4 और भोपाल में 1 ठिकाने पर छापेमारी की गई है। लंबे समय तक कमलनाथ के ओएसडी रहे आर के मिगलानी के दिल्ली के ठिकानों पर भी कार्यवाही जारी है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग के 300 अधिकारियों की टीम देश भर के 50 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इनमें से एमपी के सीएम कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कर के अलावा कमलनाथ के भांजे रातुलपुरी, अमीरा ग्रुप और मोजेर वेयर पर भी छापे मारे गए हैं। इनमें से भोपाल, इंदौर, गोवा के अलावा दिल्ली में 35 लोकेशन पर छापेमारी की गई है। भोपाल में प्रतीक जोशी के यहाँ भारी मात्रा में रुपए बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुलपुरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। रातुलपुरी का नाम राजीव सक्सेना से पूछताछ के दौरान छिपा लिया गया था। राजीव सक्सेना का दुबई के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में प्रत्यार्पण हुआ था। इन छापों के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय कमलनाथ जी के नजदीकी लोग हैं जिनके यहाँ छापा पड़ा है, जो प्राथमिक जानकारी है, चाहे वो कक्कड़ साहब हों, चाहे मिगलानी साहब हों और अन्य लोग हों। और अभी तक ऐसी खबर है कि 9 करोड़ रुपया बरामद हो चुका है और कार्रवाई जारी है। पूरे देश में 50 स्थानों पर छापा है। मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश में कलेक्शन फॉर इलेक्शन का मामला है और किसान ठोकरें खा रहा है, आठ आठ आंसू रो रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है कर्ज माफी का। इसलिए ऐसा भी लगता है कि ये किसान का पैसा कक्कड़ को दे दिया क्या। ऐसी परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग चलाने के कारण पैदा हुई हैं। 3 महीने में 3000 से ज़्यादा तबादले किए गए हैं। एक दिन में 2-2, 4-4 बार एक एक अधिकारी का तबादला किया गया है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के तबादले किन कारणों से होते हैं। इसलिए जाहिर होता है कि सारा भ्रष्टाचार का पैसा ये जमा था, जो आज आईटी की कार्रवाई में बाहर आया है। कक्कड़ मध्य प्रदेश पुलिस में अधिकारी थे। सालों पहले कक्कड़ ने वीआरएस ले लिया। उन्हें झाबुआ के सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का करीबी माना जाता है। कक्कड़ को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व पुलिस अधिकारी कक्कड़ अपनी कार्यकुशलता के लिए पहचाने जाते हैं। कक्कड़ ने साल 2004 से 2011 तक भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में भी काम किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर पड़ी इनकम टैक्स रेट के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस और भाजपा नेता इस कार्यवाही पर एक दूसरे को निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीएम के ओएसडी प्रवीण कक्कर और सलाहकार राजेंद्र मिगलानी पर की गई यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आयकर विभाग पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह भाजपा के इशारे पर किया गया है। उसी पद्धति पे आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के ओएसडी श्री कक्कड़ और सहायक उनके श्री मिगलानी जी के छापे पड़े हैं। इस प्रकार चुनाव के पहले दबोचने का काम है, भयभीत करने का काम है और लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाए। जो चुनाव के कार्यक्रम में मोदी को हराने के लिए योजना बना रहे थे, उनकी नीतियाँ फेल करने के लिए, उनको परेशान करने की योजना है, लेकिन इससे योजना से उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। कांग्रेस नेता के मिश्रा का कहना है कि हमारे प्रामाणिक हमलों से तिलमिलाए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ईडी, आयकर व अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर कांग्रेस का मनोबल तोड़ने का नाकाम कोशिश कर रहा है। पार्टी अपने संवैधानिक मोर्चों पर इसके बिना विचलित जवाब देगी। उधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। खेतों में लगी आग के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने मुख्यमंत्री कमलनाथ होशंगाबाद पहुंचे। कमलनाथ इस घटना में पीड़ित किसानों से मिले और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस आगजनी में 3 किसानों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग घायल हो गए। खेत में लगी मामूली सी आग आंधी ने ऐसा भड़काया कि होशंगाबाद और इटारसी के हजारों एकड़ खेतों में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। इस अग्निकांड में दर्जनों लोग घायल हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अग्नि दुर्घटना में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ग्राम पांजरा में सीएम मृतक परिवारों के निवास पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी।
सरकार के नेतृत्व में आया हूँ, क्योंकि इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। किसान के साथ तो हमेशा ये सरकार है। बहुत बड़ी संघटना की बात है और अभी तक समझ में आया कैसे लगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। 5 साल पहले आए थे हमारे खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट, और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने, इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूंगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर अचानक अस्वस्थ हो गए। घबराहट की शिकायत पर उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शनिवार को अचानक वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबूलाल गौर का स्वास्थ्य बिगड़ गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौर की पुत्रवधु विधायक कृष्णा गौर से फोन पर बात कर गौर के स्वास्थ्य की जानकारी ली और हर संभव मदद की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद आलोक संजर भी गौर का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर फिर मोदी सरकार बन गई तो देश में चुनाव होना ही बंद हो जाएंगे। दिग्विजय ने इशारे ही इशारे में बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ओबीसी सम्मेलन में पहुंचे दिग्विजय सिंह के निशाने पर मोदी सरकार रही। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस वर्ग के लिए जितना कुछ कांग्रेस ने किया है किसी और ने नहीं। दिग्विजय सिंह ने इशारों इशारों में आरोप लगाया कि अगर मोदी सरकार बन गई तो इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मोदी जी की सरकार बन गई तो इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी सोच। चुनाव के मद्देनजर दिग्विजय सिंह इस वक्त कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं। भोपाल में भी दिग्विजय हर छोटे बड़े कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। बैरागढ़ के कार्यक्रम में तो लोक कलाकारों ने दिग्विजय सिंह को घेर लिया। दिग्विजय कुछ समझ पाते तब तक तो इन कलाकारों ने दिग्विजय सिंह से भी ठुमके लगवा दिए। उसके बाद दिग्विजय इनके साथ बहुत ही पारंपरिक अंदाज में नजर आए। समय चुनाव का है, जाहिर है ऐसे में किसी को नाराज भी नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में गुना से भाजपा के विधायक गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव पर एक युवती को प्रताड़ित करने और धमकाने का केस दर्ज हुआ है। युवती का आरोप है कि उसने बात करने से मना किया तो विवेक ने चेहरे पर एसिड फेंकने व फोटो वायरल करने की धमकी दी। तलवार लेकर घर के बाहर उत्पात मचाया। विवेक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने युवती के आवेदन के हवाले से बताया कि विवेक जाटव उसे 1.5 साल से परेशान कर रहा है। 2 अप्रैल को वह पेपर देकर कॉलेज से घर आ रही थी, तभी रास्ते में विवेक ने रोककर बात करने का दबाव बनाया। उसने मना किया तो विवेक ने चेहरे पर एसिड फेंकने और दादाजी की धौंस देते हुए उसके पिता को नौकरी से हटवाने और भाई की हत्या कराने तक की धमकी दी। फिर शनिवार रात को वह तलवार लेकर उसके घर पहुंचा और उत्पात मचाया, दरवाजे पर तलवार मारी। विवेक जाटव है वो मुझे परेशान करता है, मैं कॉलेज जाती हूँ, 2 तारीख को मेरे पेपर था, 12 बजे
उसने मुझे रास्ते में रुका, बोला कि मुझसे बात कर, और बोलता जब क्या कहते हैं फ़ोन पर बात कर मुझसे, और मुझे बुलाता है ज़बरदस्ती और मेरा हाथ पकड़ लेता है, और रात को क्या कहते हैं घर पे आया था 5 तारीख को, और तलवार लेकर और मम्मी पापा को और सबको जान से मारने की धमकी देता है, और ऐसे फेंकने की कहता है मुझको, बोलता है जितनी ज़्यादा खूबसूरत बनती है उतना ही बदसूरत बना दूंगा तुझे। वो फिलहाल विधायक कराती है और कहता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो यहाँ के राजा हैं। यह घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। युवती के कुछ फोटो विवेक के पास हैं, जिन्हें वायरल करने की धमकी देता है। सीएसपी संजय चतुर्वेदी ने बताया कि युवती की रिपोर्ट पर विवेक के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी और धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। एक लड़की के द्वारा विवेक यादव के खिलाफ शिकायत की है, छेड़छाड़ के संबंध में, डराने धमके और मारपीट के संबंध में शिकायत की, जिस तरह से अपराध कायम किया जा रहा है, बाद विवेचना अगली कार्रवाई की जाए। ये संबंध में अभी विवेचना के दौरान ही पता चला है कि उनकी आपत्ति क्या है। इस संबंध में विधायक गोपीलाल जाटव ने कहा कि उन्हें 3-4 दिन पहले ही मामले की जानकारी मिली है। गोपीलाल जाटव आदतन अपने रिश्तेदार का पक्ष लेते नजर आए और रिश्तेदार की गुंडागर्दी पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूंगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 5 साल पहले आए थे हमारे खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट, और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्म सम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं, हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने, इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटिक पर सांसद निधि का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। वीरेंद्र खटिक ने सांसद निधि से दिव्यांगों को दिए जाने वाली साइकिलें खरीद तो ली, लेकिन उनका वितरण तक नहीं किया। छतरपुर के नगर पालिका में बने कबाड़खाने में 200 साइकिलें पड़ी हुई हैं और धूल खा रही हैं। ये सांसद वीरेंद्र खटीक ने सांसद निधि से ली थी। सांसद खटीक की लापरवाही देखिए, उन्होंने इन्हें दिव्यांगों को बांटने की जहमत तक नहीं उठाई। सांसद की लापरवाही उस समय उजागर हो गई जब नगर पालिका के CMO ने कबाड़खाना देखा तो यह साइकिल कबाड़ में रखी थी। जब यह मामला उजागर हुआ तो प्रशासन जांच की बात कह रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री की पार्टी के नेता पूर्व विधायक RD प्रजापति ने केंद्रीय मंत्री पर चुनाव में इसे इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बांटा गया कि नहीं बांटा गया इसकी हमें संज्ञान में नहीं है, लेकिन प्रेस के माध्यम से हमें इसकी जानकारी अभी मिली, तो अभी आप जाके देखें वो सारे नाम हम सब उतवा दिए। जानकारी ये मिली कि समाज कल्याण विभाग से ये आई हुई थी, उनके यहाँ रखने की जगह नहीं थी, इसलिए वहाँ उन्होंने रखवा दी। के साथ अन्याय करना भगवान के साथ अन्याय करना, और जब ये 16 लाख जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनका हक नहीं देना चाहते तो दिव्यांगों का देंगे, वो तो अनाथ है बेचारे, उनका क्या ये देंगे। उनके लिए देना होता तो दे देते, लेकिन हो सकता है चुनाव में इसको रंग रोशन करके अपना उपयोग करें, केवल यही हो सकता है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा, लोगों की बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और इंदिरा गृह ज्योति योजना से 61 लाख उपभोक्ता प्रदेश में लाभ ले रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा ऊर्जा विभाग आम लोगों के हित में फैसले ले रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गृह ज्योति योजना से 61 लाख उपभोक्ता लाभ ले रहे हैं। सरकार द्वारा इस योजना के लिए 2026 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि गलत बिजली बिल आने की बहुत शिकायतें थी जिनके निराकरण के लिए 47 जिलों में समिति गठित कर दी गई है। 5 जिलों में आचार संहिता हटने के बाद यह समिति बनेगी। डायल 100 की तर्ज पर कॉल सेंटर 1912 की स्थापना की गई है। 2019 मध्य प्रदेश की विद्युत मांग 14,000 मेगावाट तक पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास और हमने वो मांग को पूरा किया। ये भी सरकार की उपलब्धता है। और मेंटेनेंस पर 3-4 माह से नवंबर तक सस्पेंड किए गए। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों पर अभद्र टिप्पणी का सिलसिला भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार राकेश सिंह पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भाजपा ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से शिकायत की है। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करने वाले लोगों की भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से शिकायत की है। शिकायत करने वालों का कहना है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के उम्मीदवार राकेश सिंह पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा नेता के बारे में टिप्पणी करने वाले कोई और नहीं कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से परेशान हैं। इस वजह से ये लोग सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें पोस्ट कर रहे हैं। रंजीत पटेल जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो फेसबुक और व्हाट्सएप में अनर्गल बात हमारे सांसद जी के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप धरातल पे आके चुनाव लड़ो। जब आप 5 साल यहाँ नहीं थे तब आपको चिंता नहीं थी, और जब चुनाव आ गए तो उनकी छवि खराब करने में लगे हुए। कांग्रेस की हमेशा की मानसिकता रही, मगर इनको जनता बता दी, क्योंकि जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक में जनता इस चीज़ को देखती है तो निश्चित रूप से वो नाराज होती है और उनकी नाराजगी इनकी हार का कारण बनेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों की जांच की जा रही है। प्रशासन निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई की बात कह रहा है। जी, अभी हमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि कुछ व्यक्तियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक प्रत्याशी के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है। इस ज्ञापन में जो भी शिकायत की गई है उसकी संपूर्ण जाँच की जाएगी और निर्वाचन नियमों के अंतर्गत जो कार्रवाई इसके लिए नियत है वो कार्रवाई उचित समय में की जाएगी। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1,000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने। इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 5 साल पहले आए थे हमारी खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट, और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यही झूठ बोलकर मुझसे वोट लिया था इन्होंने। आज 5 साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है, वो कहते हैं पकोड़ा तलो। सोचा था माँ बाप की देखभाल करूँगा, उनका सहारा बनूंगा, मगर बोझ बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। कुछ पूछने जाओ तो धिक्कार कर भगा देते हैं। इस देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदर लाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी पर भरोसा जताया है।
सिद्धार्थ तिवारी ने क्षेत्र की समस्याओं की बात करते हुए कहा कि रीवा जिले में सबसे अधिक बेरोजगारी की समस्या है। युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं तथा रीवा जिले में कांग्रेस के शासनकाल में ही एकमात्र कारखाना जेपी सीमेंट खोला गया था, जिसके बाद से अभी तक क्षेत्र में उद्योगों के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने कहा इलाके का किसान भी बहुत परेशान है। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने युवा की बात सुनी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कमलनाथ जी ने युवाओं को एक शक्ति दी है और आशा करते हैं कि हम और हमारी युवा टीम इस भार को उठा पाएंगे। तो सबसे पहला मुद्दा तो युवा की बेरोजगारी, फिर आते हैं किसान। किसान रीवा ज़िले का आज दर दर भटक रहा है। उसको पिछले 15 साल की शिवराज सिंह सरकार में जो प्रताड़ना जो सेवा मिली है, एक मुद्दा वो है। हम माननीय कमलनाथ जी के साथ, आदरणीय राहुल जी के साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि अपने रीवा जिले के किसान को उसके जीवन को एक नई ऊंचाई आते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। रीवा पुलिस ने 3 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो पिस्टल लेके वारदात को अंजाम देने वाले थे। यह 3 ही अपराधी स्टूडेंट हैं, जिनमें से 2 आरोपी TRS कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और 1 आरोपी इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए रीवा पुलिस ने लगातार बढ़ रहे अपराध को नियंत्रित करने के लिए सर्चिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत आए दिन बड़े बड़े अपराधों का खुलासा हो रहा है। ऐसा ही एक मामला विश्वविद्यालय थाना स्थित अजगरहा मझरिया रोड के सामने आया, जहां 3 बदमाशों को बड़ी वारदात करने से पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। इन 3 बदमाशों के पास से 3 पिस्टल बरामद की गई है, जिनसे पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि यह 3 किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। जब मामले की जांच नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह ने की तो पता चला यह 3 आरोपियों में से 2 TRS कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं इनमें से 1 आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि ये 3 मिलकर वारदात करने वाले थे या इनके साथ कुछ और बदमाश भी शामिल हैं। 3 दिन पहले हमने गिरोह पकड़ा था और आप लोगों को मालूम है कि उनसे भी एक पिस्टल और एक कट्टा जब्त हुआ था और उसी गिरोह से जो हमको फीडबैक मिला था उसी के आधार पे हमने फिर से थाना विश्वविद्यालय कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से पहला आदमी है प्रकाश शुक्ला पिता रीता प्रसाद शुक्ला, ये रहने वाला गांव नौता का है। इसके पास से हमने जो है कारतूस जब्त किए हैं और एक पंच जब्त किया है। दूसरा इसके साथ में एक लड़का शिवम पांडे करके था, शिवम पांडे पिता विजेंद्र पांडे, ये रहने वाला गाँव पटना का है। इसके पास से हमने एक पिस्टल जब्त की है और इसी अनुक्रम में हमने ग्राम शाहपुर निवासी गौरव मिश्रा पिता बालिंग मिश्रा से हमने एक 6 राउंड रिवॉल्वर भी जब्त की है और ये क्रम भी आगे चलता रहेगा। झूलेलाल जयंती और चेती चांद के अवसर पर संत नगर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर भंडारा भी हुआ। झूलेलाल जयंती के अवसर पर झूलेलाल मंदिर में भगवान झूलेलाल की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं बहराणा साहब जोत जलाकर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर आयोजित भजन कीर्तन में श्रद्धालु जमकर नाचे। सिंधी समाज के लोगों ने अपने छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार भी किया। संत नगर में जगह जगह पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने एक जुलूस निकाला और शरबत का वितरण किया। ठाकुर आसान लाल धर्मशाला में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरण समाचार। नमस्कार, भैरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और वो कल्याण भाई जरा फलारी वगैरह ले आओ, ये 9 देवियों का पर्व शुरू हो गया भैया, सबको खिलाओ। हाँ, ऐसे में कितनी बढ़िया खबर आ रही, सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसमें है ना अपने भोपाल की सृष्टि जैन देशमुख ने 5वां नंबर हासिल किया ऑल इंडिया में। बताओ ये कितनी अच्छी खबर है, शुरुआत होती ही। और मैं बता रहा हूँ नारी शक्ति जितनी बढ़ रही है इस समय, इनको है ना सशक्तिकरण की अलग से क्या जरूरत है, बता रहा हूँ। इनमें खुद इतनी शक्ति होती है देवियों में। हाँ, उसका देखो रेल निकल ले। और ये देखो बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा, अब ये है ना इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और बीजेपी की है ना शत्रु हो गए हम। ये पहले शत्रुघ्न थे, घन पटकते रहते थे बीजेपी वालों पे, बता रही हूँ। अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और हमारी जो शोले की बसंती,
हेमा मालिनी जी, ये भैया हेलीकॉप्टर से जा रही है खेतों में, और वो आसिया ले गए वहां फसल काट रही है। वो बताओ इन्होंने वहां उसमें शोले में चलाया था तांगा, वो अभी ये ट्रैक्टर वगैरह चला रही है। बताओ ये सीन बदल जाता है, बताओ क्या क्या करना पड़ता है भैया वोट लेने के लिए, बता रहे हो। और ये देखो ये खबर, ये दुनिया का सबसे महंगा तालाब, बता रहा हूँ 2.5 लाख करोड़ मिले इनको। ये मैकेंजी बेजोस हैं जो, ये बेजोस की वाइफ, इनको 2.5 लाख करोड़ मिले, दुनिया की पांचवी सबसे अमीर महिला हो गई है, बताओ तलाक के बाद। ये तो ये मुझे लगता है ये लाइनें लग जाएंगी तलाक की, बता रहे हो हमारे यहाँ तलाक हो जाए, तलाक तलाक बोले भाग हो जाती है, हमारे पास कुछ नहीं है, इनके पास देना कुछ रहते ही नहीं, ये तो चल लिया है। और ट्रम्प ने भैया फिर से है ना प्रवासियों को है ना बहुत चेतावनी दे दी है, बोले हमारा देश है ना भर गया, जगह नहीं है हमारे यहाँ, भागो यहाँ से। और मैं कहता हूँ यार जाते ही क्यों यार दूसरे देश में, अपने देश में रहो बढ़िया, वहीं उन्नति करो, अपने देश की प्रगति करो, अपने टैलेंट को वहाँ यूज करो ना, ये बेइज्जती कराने जाती हूँ, समझ में नहीं आता मेरे। और मैं तो कह रहा हूँ यार राजनीति में है ना बुजुर्गों को अपना ख्याल खुद भी रखना चाहिए, बता रहे हूँ, ये बेइज्जती होने का एहसास हो उससे पहले ही अपनी इज्जत बचा लो, खुद ही मना कर दो ना, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव में, यदि बेइज्जती का टिकट कटे वटे ये चले। सुमित्रा महाजन जी इतने 8 बार वहां से रही, वहां से सांसद रही इंदौर से, अब उनको टिकट विकट दे नहीं रहे, बता रहे ये अब 8 वाणी पहले ही बैठे हैं बेचारे, और वो दूसरे मुरली मनोहर जोशी, ये तो चल लिया है। और मैं कहता हूँ बुजुर्गों को छोड़ो, अब दूसरे नए लोगों को मौका दो, ठीक है उनको खुद ही देना चाहिए। हाँ और मैं कह रहा हूँ इस समय दो ही स्तर नीचे जा रहे हैं, ये जल स्तर इतना नीचे जा रहा है गर्मी में, और दूसरा राजनीति का स्तर भी इतने नीचे कर गया है बहुत ज्यादा, और कुछ भी बोले जा रहा है आदमी जूता वूता जाने क्या क्या, अरे खुश तो शराम करो भाई, ऐसा तो हम माहौल चल दिया बता। वही इधर बताओ आईपीएल की खबर देख लो, ये आंद्रे रसल है भैया, ये क्या खिलाड़ी है क्या है, इनको एक ही शॉट आता है बस छक्के वाला, दे छक्के मारे जा रहे, दे छक्के मारे जा रहे। कल मेरे पास बॉलरों की पूरा प्रतिनिधि मंडल आ गया, बोले भैया बचा लो भोपाली भाई क्या खाने, और मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ यार, तुम लोग बॉल फेंको बस फेंकते रहो, तो ये तो हाल चल रहा है। मेरा तो है ना दिमाग ही सब सुनकर खराब हो जाता है, मैं तो आईपीएल का मैच देखने जा रहा हूँ। नमस्कार।